हाय गाइस, चलो आज ओवरलोडेड मिल्क शेक बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ग्लास या कंटेनर को रेडी करूंगी। तो ये मैंने लगा दी है इसके ऊपर चॉकलेट सिरप और थोड़े से स्प्रिंकल मैंने इसके ऊपर डाल दिए, डेकोरेट कर दिया अपने ग्लास को। और इसे रख देंगे फ्रीज़र में सेट होने के लिए, थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाएगा ये। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर केक लिया है, आप कोई भी केक ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दो तरह के केक लिए हैं, तो दोनों केक को तोड़ लिया मैंने अच्छी तरह से। और ये है हमारा जिमजम वाला बिस्किट, तो यहाँ पे मैंने जिमजम वाला बिस्किट डाल दिया इसके अंदर। और फिर डाल दिया मैंने इसके अंदर एक ग्लास दूध भर के, और इसे मिक्सी के जार में हमने मिक्स कर लिया है। तो अपने कंटेनर जो हमने रेडी किए थे उसके अंदर थोड़ी सी चॉकलेट सिरप मैंने डाल दी है, और फिर अपना जो मिल्क शेक हमने रेडी किया था वो डाल दिया है। और ये है हमारे स्वीट लिटिल हर्ट वाले बिस्किट, तो वो मैंने इसके ऊपर लगा दिए दो दो। और ये हमारी डेरी मिल्क की चॉकलेट, डेरी मिल्क की चॉकलेट मैंने जो रखी थी वो सारी अंदर ग्लास के अंदर चले गए, लेकिन उससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। तो आप चॉकलेट ज़रूर डालना इसके अंदर। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।